जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने किया था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। कल मैं बताया था जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपको क्या बताता है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो इसमें कौन से एलिमेंट दो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन से सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है, 1:1 में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें क्या बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं कि हाउ वी फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो आज हमने इसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो सबसे पहले जब आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो एक कॉलम बनाना है। सबसे पहले आएगा एलिमेंट, एलिमेंट का नाम, उसके बाद उसका सिंबल, सिंबल के बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक के बाद परसेंटेज, मास परसेंटेज कितनी है उसकी, मास परसेंटेज के बाद हमने फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करना है आपने, मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है मोल रेशियो। मोल रेशियो में जो स्मॉलेस्ट मोल रेशियो है उसको हर से डिवाइड करना है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इस तरह आपने पूरा कॉलम बनाना है। सबसे पहले एलिमेंट का नाम, फिर सिंबल का नाम, फिर एटॉमिक मास, फिर मास परसेंटेज, मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करने हैं, मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, फिर मोल रेशियो फाइंड आउट करनी है, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगी उससे हम क्या फाइंड करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, जितना भी फार्मूला है। उसके बाद हमने एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन के आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, जहां से आपको एन की वैल्यू आएगी, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन, मतलब जितना हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला उसे एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।